चलाना सिखाएंगे ट्रक। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको ट्रक चलाने में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली, ठीक है। हम भी कभी ट्रक नहीं चलाए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भाई ट्रक चलाना सिखाओ, ट्रक चलाना सिखाओ। तो फाइनली हमने ट्रक मंगा लिया। रात का टाइम है, वीडियो अभी नहीं शूट हो पाएगा, ठीक है। हम रात को इसको खड़ा कर देते हैं यहीं पे, देख सकते हैं। और ये सुबह आप लोगों को, अब ये सुबह आप लोगों को चलाना सिखाते हैं, ठीक है। अब सुबह हो चुकी है और ये ट्रक है 14 चक्का, ठीक है। आसानी से आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आराम से फुल वीडियो देख लीजिएगा, आपको ट्रक चलाना आ जाएगा। आगे जजमेंट वगैरह और जो आप कमेंट करते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे, तो ठीक है। तो चलिए अब ट्रक की मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को चलाना सिखाता हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है केके ड्राइविंग स्कूल चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को चलाना सिखाएंगे ट्रक। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको ट्रक चलाने में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली, ठीक। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रक पे बैठे हैं, क्योंकि आज हम भी फर्स्ट टाइम चलाने जा रहे हैं ट्रक, ठीक है। लाइफ में अपनी कभी ट्रक नहीं चलाए, ठीक है, लेकिन हम इसको चला लेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को ये चलाना बताएंगे, ठीक है। हम भी कभी ट्रक नहीं चलाए हैं तो आप लोगों को चलाना बताएंगे। तो दोस्तों इसको हम आज चलाएंगे, इसको हमने कभी नहीं चलाया। जैसे हम फर्स्ट टाइम चलाने जा रहे हैं, वैसे आप भी फर्स्ट टाइम अगर चलाना चाह रहे हैं तो अगर हम चला लेंगे तो आप भी चला लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इसको हम फर्स्ट टाइम चलाना सिखाएंगे। सबसे पहले इसकी जो जरूरी चीजें हैं वो आप लोगों को हम बता देंगे, जिससे आपको नॉलेज हो जाए। सबसे पहले जैसे हम ट्रक में बैठ गए, हम भी कभी नहीं चलाए और आप भी कभी नहीं चलाए, तो चलिए आज तुम भी नहीं चलाए, हम भी नहीं चलाए, ठीक है। आज अच्छे तरीके से आपको हम चलाना बताएंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कभी ट्रक नहीं चलाए हैं, आज फर्स्ट टाइम ट्रक पर बैठे हैं और फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अपने हाथ से और फर्स्ट टाइम चलाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को देखते रहिएगा, आज हम फर्स्ट टाइम आपको चलाना सिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो इसकी जरूरी चीजें हैं वो समझ लीजिए और गाड़ी में बैठ के क्लच वगैरह, एक्सीलेटर वगैरह, दाब के ब्रेक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको हर चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको जो जरूरी चीजें हैं वो बताने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, फिर कम से कम 10 मिनट ट्रक में बैठिए, गियर लगा लीजिए, छुड़ा लीजिए, ये सब आपको जब आएगा तभी गाड़ी स्टार्ट करिएगा, तभी आप अच्छे से चला पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ट्रक में, ठीक है, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ट्रक में, तो सबसे पहले ये हो जाता है एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच, ठीक है। तीन चीज़ें कोई भी गाड़ी हो, ये हमेशा हर गाड़ी में लगी रहती हैं, ठीक है, कोई भी ट्रक हो। तो सबसे पहले यही जो आपको ध्यान से देखना है क्या करना है, ये जो हमारा होता है रेस का पैडल हो जाता है, ठीक है, इससे गाड़ी आगे भागेगी, तेज भागेगी, धीरा चलेगी, ये रेस का पैडल हो जाता है, ठीक है। एक्सीलेटर ए, ठीक है, बी फॉर ब्रेक, अगर हमको गाड़ी रोकना है तो इससे ही गाड़ी रुकेगी, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। और ये क्लच हो जाता है, ठीक है, इसके इसको दाब लो, इसके मर्जी के बिना गाड़ी नहीं चल सकती जब तक इसको छोड़ोगे नहीं, और इसके मर्जी से चलेगी तो इसको दबा के इसको दबाएंगे तो इसके मर्जी से गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। और इससे जब दोनों काम हो जाए, गियर पड़ जाए, क्लच छूट जाए, तो इससे गाड़ी अपना भाग सकती है, कितनी तेज चलना है, कितनी धीरा चलना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये एक्सीलेटर हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है और ये क्लच हो जाता है, ठीक है, तीनों चीज़ें। चलिए अब आते हैं मीटर के टाइप पर, ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका मीटर है। तो मीटर के बारे में आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए। तो आपको भी बैठ के सबसे पहले यही चीज़ें ध्यान से रख के, मतलब ध्यान रख लेना है आपको कि कौन सी चीज़ और कौन सा मीटर किस काम आता है, ये आपको पता होना चाहिए, स्विच पता होना चाहिए और स्टेयरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये मीटर जो होता है एयर प्रेशर का, ठीक है, ये अगर जो रेड के इधर आ जाएगा तभी ब्रेक अच्छे से लगेंगे, वरना ब्रेक नहीं खुलेंगे, ठीक है, एयर प्रेशर। और ये अपना हो जाता है सेल्सियस, इंजन गर्म या ठंडा है, हिंदी में आपको बता रहे हैं, ठीक है, और ये सेल्सियस का हो जाता है। और ये हो जाता है आरपीएम मीटर, जितना एक्सीलेटर दबाएंगे आप उतना सबसे अच्छा रहता है 10 से 20 तक, ठीक है, हरा हरा है, ठीक है। और ये हो जाता है अपना स्पीडोमीटर, ठीक है, 140 तक स्पीड है आपकी गाड़ी, कितनी स्पीड से चल रही है आपको बताएगा, ठीक है। और ये हो जाता है फ्यूल का, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, छोटे छोटे गाड़ियों में भी दिया जाता है, बाइक वगैरह, कार वगैरह में, ठीक है। और ये भी प्रेशर का मीटर हो जाता है, ठीक है, जब ये 6-7 के बाद, चलिए गाड़ी स्टार्ट करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, ये क्लच दबाएं, कोई भी गाड़ी हो दोस्तों क्लच दबा के स्टार्ट करना है, अगर बाय चांस गियर कोई पड़ा रह गया तो आपका क्लच दबा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको एक बार ऑन करना है, ठीक है, ये देखिए, ये जब वापस 140 पे जाके जब 0 पे वापस आ जाए तब गाड़ी स्टार्ट करना है, ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तभी आप अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।
देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई और देखिए प्रेशर मीटर बढ़ने लगेगा। अभी गाड़ी के व्हील समझ लो जाम है, अभी नहीं गाड़ी चलाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जल्दी थोड़ा चलाना है गाड़ी, ठीक है, तो एक्सीलेटर पे पैर रख के आरपीएम लगभग 15 तक लाना है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अभी गाड़ी न्यूट्रल है हमारी, तो चलिए न्यूट्रल है तो धीरे धीरे हम क्लच छोड़ के दिखा रहे हैं कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ये न्यूट्रल है हमारी गाड़ी, देख सकते हैं, तो गाड़ी अभी आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। धीरे धीरे से क्लच छोड़ रहे हैं, अगर गियर पड़ा होता तो गाड़ी चलने लगती, ठीक है। ये देख सकते हैं चार पे आ गया, चलिए हम इसको जल्दी करना है तो देख सकते हैं आरपीएम वाला मीटर हम एक्सीलेटर पे पैर रख रहे हैं, ये यहाँ पे पाँच पे है, अभी 10-15 पे हो जाएगा, ठीक है। ये रख रहे हैं, ये 15 पे जा रहा, देख सकते हैं ये 15 पे ले आए, ठीक है। और देख सकते हैं ये रेड पार कर रहा है, ध्यान से देख सकते हैं रेड पार कर रहा है, ठीक है। और ये भी रेड पार कर रहा है, आरपीएम हमारा 15 है, ठीक है। ये देख सकते हैं 6 आ गया, यानी नॉर्मल हो गया, आता तो 10 तक है, ठीक है, 6 तक आ गया। एक्सीलेटर पर से हम पैर कम कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं फिर से आरपीएम 15 से फिर से 5 हो गया। तो चलिए अब आप लोगों को गियर के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर गियर नहीं समझ में आएंगे तो आप गाड़ी कैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक। हम भी फर्स्ट टाइम चलाने जा रहे हैं और आप भी फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 100% ट्रक चलाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ये पावर स्टेयरिंग है, देख सकते हैं मक्खन जैसी, ठीक है। गाड़ी जब बंद होती है तो बहुत टाइट हो जाती है, ठीक है। चलिए आपको गियर के बारे में बताते हैं, तब तक ये प्रेशर मीटर भी अपना 8 पे आ रहा है, तो गियर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कैसे गियर लगाना है, आपको एक क्लच दबा लेना है, ठीक है। ये क्लच दब गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक क्लच दबा लेना है, ये क्लच दब गया। और इसमें गियर हैं टोटल 6 गियर आगे की तरफ और एक रिवर्स बाइक गियर, ठीक है, 6 गियर टोटल हैं। तो चलिए हम फर्स्ट लगाते हैं, देखिए ये गियर पड़ गया, ये भी गियर पड़ गया, इसको बीच में लाना। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा गियर के बारे में, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये हमारा गियर न्यूट्रल है। और इसको हम इस साइड ले जाके आगे की तरफ बढ़ा दिए, हमारा फर्स्ट गियर पड़ गया, ठीक है। अगर सेकंड लगाना है तो उसी साइड रखना है, लेफ्ट की साइड, और ये सेकंड पड़ गया, ठीक है। और ये बीच में लाना है, इससे ही छोड़ देंगे आप, तीसरा ही पड़ेगा, देख सकते हैं ये तीसरा गियर पड़ गया, ठीक है। और इसको बीच में लाएं, न्यूट्रल हो गया, और ये चौथा गियर पड़ गया, ठीक है। और इसको फिर से न्यूट्रल किए और यहाँ पे ला के यहाँ पे सटा दिए, पांचवा पड़ गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे ला के ये छठा पड़ गया, ठीक है। गियर इसमें दिख नहीं रहे हैं क्योंकि लीवर बहुत ज़्यादा, मतलब चलाते चलाते गाड़ी लीवर मतलब घिस चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लिख के कागज़ पर प्रैक्टिकल आपको बता देंगे गियर कैसे लगाना है, ठीक है, इसी पे मिल जाएगा। तो चलिए रिवर्स लगाना है, तो इस साइड ले जाके देख सकते हैं आप लोग, ये रिवर्स एकदम यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फर्स्ट लगाना है तो फर्स्ट के बाद जब गाड़ी चलने लगेगी डायरेक्ट दूसरा ही पड़ेगा, ठीक है। और बीच में ला के तीसरा, बाकी चौथा, और ये पाँचवा या छठा, ठीक है। और ये देखिए 8 पे पहुँच गई हमारी सुई। प्रेशर वाली गियर के बारे में आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए गाड़ी आगे बढ़ा के आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। इससे वाइपर चलते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, हमारे वहाँ देख सकते हैं। इससे वाइपर चलते हैं, ठीक है, एक बार फिर से करेंगे उठा के, ठीक है, फिर से चलने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा शीशा साफ हो गया, तो चलिए आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। देखिए हमारा क्लच दबा हुआ है और ये एक्सीलेटर हो जाता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस समय गाड़ी न्यूट्रल है, हम क्लच छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लच छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको दबाएं और देखिए लेफ्ट ले जाके फर्स्ट गियर लगा दिए। तो देखिए गाड़ी धीरे धीरे से बढ़ाते हैं, आप देखिएगा सामने कुत्ता बैठा है, धीरे धीरे से क्लच छोड़ते हैं, देखिएगा हैंड ब्रेक, इसको हैंड ब्रेक लगा था, सॉरी, इसको हम ऊपर कर दिए, हैंड ब्रेक छूट गया, ठीक है। चलिए धीरे धीरे से क्लच छोड़ते हैं और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अपना ट्रक, देख सकते हैं, देख सकते हैं कुत्ता बैठा है, चौक गया, हॉर्न दिए, तो ये गाड़ी अपनी चलने लगी, ठीक है, देख सकते हैं, देख सकते हैं वो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से चलाना है। और आपको अगर गाड़ी बाइक करना है तो भी आप लोगों को बता रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये ज़्यादा इधर कर दिए, ठीक है, बाइक गियर लग गया, ये लिफ्ट उठा, लिफ्ट से टायर उठ जाते हैं, उठाना पड़ेगा, अब ये बाइक होगा, ठीक है। और जब बाइक करें गाड़ी तो साइड मिरर में ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, और उस साइड का भी साइड मिरर है, उससे गाड़ी पीछे की आपको दिखती रहेगी, ठीक है।
साइड मिरर में देख के आप गाड़ी अच्छे तरीके से बाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, 14 चक्का ट्रैक है तो इसको बाइक कर रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं बाइक कर रहे हैं, ये बाइक हो गया। ठीक है, और ये हमारा ब्रेक हो जाता है, इसको दबाएंगे रुक जाएगा, देख सकते हैं कितना हार्ड ब्रेक लगता है। और इसको आगे की तरफ कर देंगे, आगे की तरफ चला जाएगा, इसको बंद कर दिए। ठीक है, आगे की तरफ चलेगा, देख सकते हैं। तो जो ये वाला स्विच होता है दोस्तों, ये आपको बता दें किस चीज़ का होता है। तो चलिए, गाड़ी हमने न्यूट्रल करके खड़ी कर दिया। ठीक है, गाड़ी हमारी न्यूट्रल है इस समय। ठीक है, ये जो स्विच होता है ये किस चीज़ का होता है, ये वाला है स्विच। चलिए, बाहर इसको जब खींचेंगे तो जो लिफ्ट होती है पहिए बाहर के, वो उठने लगेंगे। ठीक है, देख सकते हैं। इसमें 14 चक्का हैं तो जो बाहर के पहिए होते हैं वो उठने लगते हैं, और इसको अंदर कर देंगे तो पहिए गिर जाएंगे। ठीक है, तो उससे बाइक होने में ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर खींचे हैं तो वो जो पहिए हैं हमारे वो ऊपर की तरफ उठे हैं। ठीक है, और इसको बाकी आराम से ऐसे ही गियर लगा के चला सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को दिखा, चलिए दोस्तों इसको चलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं, क्लच दबाएं और ये फर्स्ट गियर लगा दिया। ठीक है, और गाड़ी चलाते हैं, देख सकते हैं आसानी से। ऐसा जब फील्ड हो तो आप आसानी से गाड़ी चला सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने दूसरा गियर लगा लिया। ठीक है, और ये दूसरा गियर लगा लिया और स्टीयरिंग काट लिया, देख सकते हैं आप लोग। ऐसा जब फील्ड हो आप लोग ऐसे ट्राई कर लेना, ठीक है, ऐसे ही चला लेना, देख सकते हैं आप लोग। गाड़ी हमने काट लिया इसको स्टीयरिंग के लिए। ठीक है, और इसको बाइक करना है तो अभी बाइक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने रोका और इसको उस तरफ ले जाके और बाइक कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग।